यह है माँ जगत जननी शीतला माता गड़बड़ा धाम। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत की तलहटी में सेवटी नदी के किनारे माँ शीतला गड़बड़ा देवी का मंदिर है। जनश्रुतियों के मुताबिक लगभग 300 वर्ष पूर्व टेढ़ी नीम के खोखले से प्रकट हुई माँ शीतला का ऐसा प्रताप है कि वह चमत्कारी भी लगता है। इसी प्रताप को देखते हुए दूर दूर से आए श्रद्धालु मंदिर परिसर में मुंडन संस्कार, जोड़ों के फेरी, ऊपरी बाधा आदि से मुक्ति के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। सोमवार को 4 बजे से भोर से ही श्रद्धालु सेवटी नदी में स्नान करके मां को प्रसाद के रूप में पूड़ी, लापसी, नारियल, चुनरी आदि लुटिया से जल भरकर कतारबद्ध होकर मां के चरणों में माथा टेक दर्शन पूजन का निहाल हुए करते हैं। इतना ज़्यादा श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़े होने के बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था शून्य रहती है। वहीं 3 शताब्दी बाद नवरात्रि मेला भी आरंभ होने वाला है, जिसमें दूर दूर से भक्त दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है। यह नवरात्र से शुरू होते ही मेले में शनिवार से ही धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। शहरी क्षेत्र के भक्तों ने पैदल चलकर 2 दिन पहले से ही मेला में अपना डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। शनिवार की सुबह से ही रीमा मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग पर पैदल यात्रा करने वाले भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। प्राचीन काल से आध्यात्मिक लोक सांस्कृतिक का प्रतीक गड़बड़ा शीतला माता का भव्य मंदिर हलिया के ब्लॉक से गड़बड़ा गोकुल गांव के सेवटी नदी के तट पर मां का मंदिर विराजमान है, जो अगहन माह के शुक्ल पक्ष से 15 वर्षीय दिवसीय मेला लगता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला के मनोरम सान्निध्य के शीतला माता की महिमा प्राचीन काल से भक्तों को बीच बनी हुई है। शीतला माता के महात्म्य के एवं लोक प्रसिद्धि की चर्चा दूर दूर तक तो फैली हुई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यह सभी लोग बोलते हैं कि मां का 300 वर्ष पहले गबड़ा गोकुल गांव के एक नीम खोखली जड़ में मां शीतला के प्रसत्त मूर्ति प्रकट हुई थी। इसके बाद वहां गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग की भारी भीड़ जुटने लगी, तभी से लोग नीम के पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर स्थापित मां की प्रतिमा का पूजन अर्चन करने लगे। कालांतर के मध्य तत्कालीन विजयपुर स्टेट के राजा द्वारा वहां शीतला माता का मंदिर निर्माण करवा दिया गया। बताया जाता है कि धीरे धीरे शीतला माता के महत्व की ख्याति चारों ओर फैल गई और गड़बड़ा शीतला माता धाम से 15 दिवसीय मेला में भी कार्यक्रम लगने लगा। शीतला माता की महिमा का असर यह है कि मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, संत रविदास नगर, यहाँ तक कि इलाहाबाद जिले के अलावा और मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले से भी बड़ी बड़ी संख्या में भक्तों का जन सैलाब पहुँचता है। ड्रामलगंज से गड़बड़ा धाम में नवरात्र के 7वें दिन शनिवार को लगभग 1 लाख भक्त ने माथा इस दरबार में टेका था। बताया जाता है कि 4 बजे भोर से ही मंगला आरती व ग्रामीण लोगों के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भक्तों ने हलवा, पूड़ी, नारियल व चुनरी चढ़ाकर माँ गड़बड़ा देवी से सुख समृद्धि की मंगला की कामना करते हैं। माता के दर्शन को महिला व पुरुषों की लंबी कतारें हमेशा लगी रहती हैं।
शीतला माता मंदिर के आसपास नारियल और चुनरी से सजी दुकानें माँ के मंदिर को और सुशोभित करती हैं। माँ का मंदिर बहुत ही विख्यात है, जो गड़बड़ा धाम का माता का मंदिर है। आप लोग यहाँ पे आइए और माँ का दर्शन कीजिए। यहाँ का बताया जाता है कि माँ के जल में बहुत बड़ा शक्ति है। अगर कोई भी चेचक और बीमारी जो भी हो, अगर माँ के जल को पिला दिया जाए तो वह हमेशा के लिए सही हो जाता है। माँ की इतनी बड़ी शक्ति है। जय माता गड़बड़ा धाम, जय शीतला माता।